योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज लखनऊ स्थित लोकभवन में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना ने रखा, जिसका सूर्य प्रताप शाही, बेबी रानी मौर्य और नंदगोपाल गुप्ता नंदी सहित अनेक लोगों ने समर्थन किया। नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से इस पर अपनी मुहर लगा दी। इसकी घोषणा देश के गृहमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक अमित शाह ने की। इस अवसर पर विधानमंडल दल को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित विधायकों का उनमें भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि हमने योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाया और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कई क्षेत्रों में सबसे आगे है। 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे कि पहली बार हुआ है और यह संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व, माननीय गृहमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे उन्होंने उस समय संगठन की जो एक मजबूत नींव प्रदेश में रखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके व्यापक दौरे और 2014 में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए 2017 में विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक एक योजना को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित करने के जिस भाव के साथ यह अभियान प्रारंभ हुआ, सरकार और संगठन का बेहतर समन्वय, एक एक अभियान के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृहमंत्री जी ने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सबके ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई।